हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी ड्राई फ्रूट पिकल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं बहुत देर से चाह रही थी पर मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं आपके साथ ये अपनी रेसिपी को शेयर करूँ। और इसको मैंने पहले बनाया है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे उम्मीद है कि मुझे ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखने में तो सुंदर होता ही है पर खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी है। कोई इसमें ज़्यादा हम ऑयल नहीं यूज़ करते, कुछ नहीं, एक चम्मच ऑयल का डाल के हम वो सारा अचार पूरा बना लेते हैं। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमने ड्राई फ्रूट्स में ये ड्राई फ्रूट्स का राजा बोलते हैं इसको, खजूर को, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये रोस्टेड कोकोनट फ्लेक्स और ये आलमंड हैं, ये रेजन्स हैं, ये वॉलनट हैं, कैशनट और ये चारों मगज। और इसमें एक ये जितने ही हमने खजूर ली है उतना ही हम ये जैगरी गुड़ लेंगे इसमें डालने के लिए। और एक कप बड़ा पानी का हम डालेंगे और एक टेबलस्पून हम ऑयल का डालेंगे। तो इसमें डालने के लिए ये मैंने अचार मसाला है, ये मैं बड़ी देर से रखा हुआ था मैंने, और मैं इससे अचार बनाती हूँ तो अच्छा बनता है, तो मैंने कहा ये आज इससे ट्राई करती हूँ तो इससे बहुत ही अच्छा अचार बनेगा। आप कोई भी अचार मसाला ले सकते हैं। ये मैंने कलौंजी डाली है एक चम्मच, ये सिट्रिक एसिड है एक चम्मच जिससे अचार ख़राब ना हो, और ये मैंने सौंफ फेनल सीड ये एक चम्मच बड़ा मैंने थोड़ा क्रश करके डाला है रखा है। और इसमें डालने के लिए जो मैं मसाले यूज़ करूँगी उसमें ये लौंग, ये मैंने 6 पीस लौंग के लिए हैं, एक चम्मच मैंने जीरे का लिया है, आधा चम्मच अजवाइन का लिया है, थोड़ी सी इलायची पाउडर आधा टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने साल्ट लिया है, ये रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैं एसोफोटिडा हींग डालूंगी इसमें। अब मैं बताती हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे। ये 2 टीस्पून हम ये सिरके के यूज़ करेंगे। ये मैंने बॉटल से निकाला नहीं क्योंकि मेरा ये फिनिश होने वाला था, तो मैंने कहा ये ही यूज़ करती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि इसको हम कैसे बनाएं। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डाला है, जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ये वही ऑयल है। सबसे पहले हम ये 6 लौंग हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और फिर ये आधा चम्मच फेन्युग्रीक सीड और ये जीरा और अजवाइन और ये इलायची पाउडर और ये साल्ट और ये चिली पाउडर, और इसके साथ ही हम ये वाले मसाले भी डालेंगे, ये धनिया पाउडर, चाट मसाला, ये सौंफ पाउडर, ये जिंजर पाउडर और ये एसोफोटिडा और गरम मसाला। ये सारे मसाले हम एक साथ डाल के इसको भूनेंगे इस घी में। और अभी इसी के साथ हम ये अचार मसाला डाल रहे हैं। ये कलौंजी, और ये सौंफ, ये मैंने थोड़ी क्रश करके
फिर डालिए। अब इसके साथ ही हम ये खजूर डालेंगे। ये चारों मगज, ये हम कैशू डाल रहे हैं, और ये वॉलनट अखरोट, आलमंड, ये किशमिश, इनको थोड़ा सा हम इसी में भूनेंगे पहले। और ये हम, ये जो हमारा पास रोस्टेड फ्लेक्स हैं कोकोनट के, ये इसको डाल दें। ये कप पानी का हम डाल दें, ये हम एक टेबलस्पून ये सिट्रिक एसिड का इसमें डालेंगे। इससे ये है कि अचार आपका काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होगा। और ये हम इसमें सिरका भी डाल रहे हैं, सिरका भी 2 टीस्पून है, ये बॉटल में ही है, तो मैं ये सारा इसी में डाल रही हूँ। अब जब तक इसको उबाला आता है, फिर हम इसको इसमें जैगरी डालेंगे। ये जैगरी हमने उतनी ही ली है जितनी खजूर ली थी। अब इसको पकने तक, जब ये सारा पानी सूख जाएगा और ये गुड़ की अच्छी तरह से चाशनी भी बन जाएगी इसके साथ ही, तो जब ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको बताती हूँ। बाकी ये सच्ची बात है कि इसका अचार का कोई जवाब नहीं। आप एक बार बनाओगे तो इसको ख़त्म नहीं कर होने दोगे, इतना आपको टेस्टी लगेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो कुछ भी मुझे आता है मैं आप तक पहुंचा सकूं, आपको सिखा सकूं। सिखाना ही मेरा मकसद है और कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको रेसिपी सिखा रही हूं तो आप कभी भी इसको खोल के आप पढ़ सकते हो और उसी तरह अपना बना सकते हो। ये जब तक ये चाशनी पक जाएगी और गुड़ की चाशनी, तो फिर ये सारा सूख जाएगा पानी, फिर मैं आपको 5-7 मिनट बाद फिर से दिखाती हूँ कि ये कैसा बन रहा है। ये हमारा पिक्कल, ड्राई फ्रूट पिक्कल, बहुत ही अच्छा बना है। उम्मीद है कि आपको भी उतना ही पसंद आएगा जितना मैं पसंद करती हूँ। तो इस रेसिपी को बनाना, एक बार बनता है आपका तो आप ज़रूर बना के देखिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल पहले कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।